बिहार के पटना में जाति आधारित जनगणना का काम जोरों शोरों से शुरू हो गया है। इस काम में 15,000 कर्मी लगाए गए हैं, जो लोगों के घर जा जाकर डेटा एकत्रित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनगणना का ये काम महज एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। जातीय जनगणना का कार्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद फिर से आज शुरू हो गया है और उसी का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। पटना जिले में कुल लगभग 13,69,000 परिवार हैं, लगभग 73 लाख की आबादी है और इसमें हम लोगों का लगभग 9,35,000 परिवारों का सर्वेक्षण हो गया था जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगाया गया था और अभी जो हम लोगों का बचा हुआ है लगभग 4 लाख परिवार बचे हुए हैं और इसका कार्य आज शुरू हो गया है गणना का पूरे ज़िले में। उसको हम लोग घूम करके देख रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। अभी तक सर कितने एडिशनल लोग लगाए गए हैं, क्या लगते हैं? कुल लगभग 15,000 कर्मी लगे हुए हैं क्योंकि हमारी जो गणना ब्लॉक हैं, जो ईबी है, इनोमरेशन ब्लॉक है हमारा, वो लगभग 12,741 है और उतने कर्मी लगे हुए हैं जो घर घर जाकर के गणना का कार्य कर रहे हैं और इसके बाद सुपरवाइजर लगभग 3,500 की संख्या में हमारे लगे हुए हैं जो कि सुपरविजन कर रहे हैं। हर 4-5 प्रगणक के ऊपर एक सुपरवाइजर हम लोगों ने दिया है ताकि डेटा की शुद्धता बनी रहे, किसी प्रकार की त्रुटि उसमें नहीं हो। और इन दोनों लोगों के बाद फिर चार्ज ऑफिसर के लेवल पर आएगा। पूरे ज़िले में कुल 45 चार्ज हम लोगों के हैं जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, पूरे प्रखंड का देख रहे हैं और नगर निकाय क्षेत्र में नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, पूरे नगर क्षेत्र का देख रहे हैं। तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हो रहा है और बड़ी शुद्धता के साथ हो रहा है और हम लोगों का सर्वाधिक बल है कि डेटा की शुद्धता बनी रहे, समय का कोई वो नहीं है। फाइनेंशियल डेटा भी सर लिया जा रहा है इसमें साथ साथ, इस बारे में हर प्रकार की जानकारी ली जा रही है। उसमें उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि और उनका जो प्रोफेशनल अगर कुछ है तो वो सब सारी चीज़ें, सारी जानकारी ली जा रही है। यहाँ रहते हैं या उनके घर के मेंबर कहीं बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं तो कहाँ रहते हैं ये भी लिया जा रहा है, किस स्टेट में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, बाय नेम लिया जा रहा है ताकि एक प्रकार का डेटा उपलब्ध रहे कि कितने लोग कहाँ पर हैं। इसको पटना जिले में कब तक कोशिश सर कम्प्लीट कर सकते? हम लोग जो फिजिकल वेरिफिकेशन है और फिजिकल सर्वे है ये हम लोग एक सप्ताह में कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो पोर्टल बना है उस पर डेटा एंट्री का कार्य किया जाना है, उसमें जो समय लगे हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह और लगेगा। सबसे पहले तो हम लोग घर पे गए, देन उसके बाद उनके मुखिया, जो घर के मुखिया, उनका नाम पूछा हम लोगों ने। नाम पूछने के बाद उनके साथ जो जो मेम्बर्स है उनका नाम पूछा, उनके पापा और पति का नाम पूछा, फिर उनकी एज कितनी हो रही है वो पूछा, फिर वो कहाँ तक पढ़े हुए वो पूछा, उनकी जाति क्या है वो सब पूछा और वो मतलब क्या काम करते हैं, उनके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहाँ पढ़ रहे हैं, बाहर के बिहार के बाहर पढ़ रहे हैं, वो सब का ब्यौरा लिया। फिर उनका मतलब जो ज़मीन है जहाँ रह रहे हैं वो कितनी है कितनी नहीं है वो हम लोगों ने ब्यौरा लिया। फिर मतलब पापा उनके सरकारी जॉब पे कार्यकलाप क्या करते हैं वो सब लिया हमने। फाइनेंशियल डेटा भी आप जी 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 बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंशियल भी लिया हम लोगों ने, कितना उनका मासिक वेतन है वो सब लिया, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका भी ब्यौरा लिया हम लोगों ने। आप लोगों का क्या टारगेट रहता है कि एक दिन में कितना अभी करना है, क्या कोई टारगेट है ऐसा? ऐसा तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोई अभी टारगेट पहले था कि कम से कम 10 घर 15 घर आपको करना ही है, लेकिन अभी तो हम लोग बहुत सारे काम कंप्लीट हो गया बहुत सारे प्रगणक का, तो अभी जो छोटा बड़ा घर है हम लोग वही कर रहे हैं। कितने लगभग बचे हुए हैं? सर ज़्यादा नहीं है, 10-15 घर बचे हुए हैं सब मिला के, वो भी ग्रुपिंग मिला के 10-15 घर। डीएम साहब अपना जानकारी लेने आए थे मेरे यहाँ, तो पहले भी लोग आया था लेकिन उस दिन मैं यहाँ नहीं थी, तो आज ही लोग मेरे से मिलने आए थे, फिर मेरे बारे में जानकारी ली। लोगों ने क्या नाम क्या बच्चों का सब कुछ वेरीफाई हुआ, बच्चों का तो लिखा सब हो ही गया था, नाम हो गया, फिर जाति हमने भी उनसे पूछा कि मेरे जाति का नंबर बताइए कौन से नंबर पर है, तो क्या नंबर उन्होंने बताया? शायद 142 बताई। तो आप खुश हैं ये जो जाति जनगणना? हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, हम सरकारी कर्मचारी थे, बहुत बुरा लगता था किसी का जाति पूछना, लेकिन लाचारी थी, बच्चों को लाभ देना था तो जाति पूछना पड़ता था, सर्टिफिकेट लेना पड़ता था।